हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार प्रजापति। आप हमारे साथ बन रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि रेलवे की शुरुआत वर्ल्ड में कैसे हुई और इंडिया में कैसे हुई, कब आया, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। बस हमारे साथ आप बन रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जो पहली ट्रेन चली थी वर्ल्ड में, वो इंग्लैंड में चलाया गया था, स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन के बीच में 1825 में। तो वैसे तो माना जाता है कि जो स्टॉकटन डार्लिंगटन रेल रोड चली थी उसको ओपन किया गया था 27 सितंबर 1825 को, और जिसने इंजन बनाया था उसका नाम था जॉर्ज स्टेफेंसन। उसके बाद क्या होता है, इसको इसमें डिस्प्यूट चलती है, जो कि ये इंजन पहले बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ, जो डिस्प्यूट चली 1830 में, बोला गया कि जो लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे है ये वर्ल्ड की फर्स्ट पैसेंजर रेलवे ट्रेन चली, जो कि जो जॉर्ज स्टेफेंसन द्वारा बनाया गया था वो पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद फिर क्या होता है, 1846 में मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है कॉटन की अमेरिका में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, क्रॉप अल्टरनेटिव रूट फाइंड करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, मैनचेस्टर, ग्लासगो, और उन लोग को अल्टरनेटिव रूट नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे उन लोग के दिमाग में आता है कि ये इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, तब वो लोग क्या करते हैं, तब धीरे धीरे इंडिया की तरफ आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई जगह पे कॉटन होते थे, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बहुत ही फेमस हैं। तब उसके बाद फिर ये लोग धीरे धीरे आने की बात करते हैं कि यहाँ पे नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है, ताकि वहाँ से हमको सामान ले जाने में ईजी आसान रहे, ईजी भी रहे थ्रू शिप द्वारा। जो कि इन लोगों का क्या होता है कि एक ही जो शिप रहता था, इन लोगों का एक मेजर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक तरीका रहता था, शिप द्वारा आना जाना और कोई भी कम्युनिकेशन करना हो। और सबसे जो कि आपको पता है कि जितनी लड़ाइयाँ हुई पहले वर्ल्ड वार, जो भी कुछ भी हुआ, वो केवल शिप के लिए, शिप यानी कि सी ट्रेड के लिए हुआ, क्योंकि ये लोग का जो सी ट्रेड होता बहुत ही अच्छा कहा जाता था, क्योंकि हर एक जगह आने जाने में बहुत ही सस्ते से आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 1843 में लॉर्ड डलहौजी को इंडिया में अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद उनके दिमाग में आता है कि हाँ ये पॉसिबल है, इसको ओपन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया तीन पोर्ट को कनेक्ट करने का, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास बाई रेलवे लाइन, तो ताकि मद्रास और कलकत्ता से सामान ला के उसके बाद फिर यहाँ से सी के थ्रू इंग्लैंड वगैरह में सामान को भेजा जाए ट्रेड करके। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक जॉर्ज टी क्लर्क इंजीनियर थे, उन्होंने बॉम्बे में उसको उनको भेजे, और ताकि उस पॉसिबिलिटी को देखने के लिए क्या ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद वो आके चेक करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 1845 में एक स्ट्रांग लॉबी होती बॉम्बे में, जो कि वो रेलवे लाइन को सपोर्ट करती है, तो जिसको बनाया जाता है बॉम्बे ग्रेट ईस्टर्न रेलवे के नाम से। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें भी एक कहानी होती है कि जब ये लोग आते हैं पहले इंडिया में, तो ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे रेलवे लाइन करने का विचार नहीं रखते हैं। यहाँ के उन लोग तो दिमाग में रहता है भाई हमको रेलवे लाइन चालू करने का वो है, लेकिन इंडिया के लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता था, ना कुछ जानने थे। उस वक्त क्या करते थे ये लोग कि यहाँ के लोगों को कुछ मिलाएं, और उसके बाद बोले यार कहीं अगर जाना हो हमको एक दूसरे देश में, दूसरे देश में, और हमको कुछ ट्रेड करना हो, तो यहाँ पर भी इंडियन रेलवे लाइन होने की ज़रूरत है। आपको पता है कुछ भी कोई काम होता है वहाँ पे कुछ अच्छे भी लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो कि दिमाग में आया हाँ यार ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बॉम्बे में ये स्टार्ट किया गया, बॉम्बे टू डेक्कन में। उसके बाद जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद 1830 में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फर्स्ट रेलवे कंपनी ओपन किया गया इंडिया में, जो कि बनाया गया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, GIPR, जो कि इसको बनाया गया 1847 में। उसको बाद में 1849 में दोबारा बनाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करती है। अब उसके बाद उसमें अपोज करते हैं, 1849 में ये मैटर जाता है लॉर्ड डलहौजी के पास। उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं, वो अगस्त 1, 1849 को इनकॉर्पोरेट करते हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसके बाद ये आता है, द ओरिजिनल जो इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो अगस्त 17, 1849 को बनाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और GIPR यानी कि ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, दोनों को मिला के बनाया जाता है, जिसमें खर्चा आता है पूरा 5 लाख पाउंड।
उसके बाद उस खर्चे को बढ़ा के 1 मिलियन पाउंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो रेलवे लाइन बनाया जाता है उसको एक्सटेंड किया जाता है कल्याण, यानी कि जो आज के समय में कल्याण वहाँ पे है महाराष्ट्र में, अक्रॉस द थल एंड बोर घाट, ये वहाँ पे माउंटेन है दो। उसके बाद क्या होता है कि जो जो पहली फर्स्ट ट्रेन चलती है इंडिया की, इसको रेडी किया जाता है नवंबर 18, 1852 को। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंजीनियर को भेजा जाता है, इसके बाद इनको ट्रायल रन के लिए भेजा जाता है बॉम्बे से थाने के बीच। उसके बाद जो फर्स्ट ट्रायल रन फर्स्ट ट्रेन चलती है इंडिया में, यानी कि दोस्तों इंडिया मत कहिए, आप एशिया बोलिए, कि जो पहली एशिया की जो फर्स्ट ट्रेन चली, यानी कि इंडिया की भी ट्रेन जो चली, वो चली 16 अप्रैल 1853, वो सैटरडे का दिन था। और जो पहली ट्रेन चली थी वो शाम के 3:35 PM हो रहे थे, और जो चली थी वो बोरी बंदर यानी कि मुंबई से लेके थाने के बीच, जिसका पूरा डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। और दोस्तों उसमें जो एक ख़ास बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इसमें इंजन लगा हुआ था उसमें ट्रिपलिंग इंजन लगा हुआ था, यानी कि 3 इंजन, जिसका नाम है सिंध, साहिब और सुल्तान, और जिसमें 400 लोगों को यानी 400 पैसेंजर उसमें थे, और जिसमें कि उसमें टोटल 14 कोच थे। तो इस प्रकार भारत में सबसे पहली ट्रेन चली 1853 में। भारत यानी कि भारत मत कहिए, बल्कि ये पूरे एशिया की जो पहली ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी, जिसको हम बता दिया आपसे 16 अप्रैल 1853, वो दिन था सैटरडे, और जो शाम का टाइम था 3:35 PM था, और बोरी बंदर यानी कि मुंबई से लेके थाने के बीच है, जो कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो दोस्तों हम इसी प्रकार के और आपके पास वीडियो लाते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।